के बीच आकर खूब धूम मचाई। ऐसे सुरेश अलबेला जो बहुत ही अलबेले कवि हैं, हास्य के सितारे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। कहीं कहा गया कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। ऐसे समय में विसंगतियों के माहौल में जिन्होंने एक मुस्कुराहट के मसीहा के रूप में एक ऐसा कार्य किया है कि आज वो करोड़ों लोगों के दिलों पर अपना नाम लिख चुके हैं, ऐसे सुरेश भाई का मैं चाहूँगा कि सीता मऊ की इस धरती पर एक बार भरपूर तालियों के साथ आप स्वागत करें। लाफ्टर का बड़ा स्टार, बड़ा सितारा आपके बीच। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और हेलो हाँ, वो मेरे को वो बोल गया ना, वो पहले ढीला है, मेरे को मालूम है, वो याद आ गया आपने कहते ही। गद्दा ऊंचा नीचा हो रहा है, ये चाय चाहिए पी ले। मैं आपके बीच में ऐसी कोई माथा फोड़ी की बात नहीं करूंगा, आप सब मस्ती के मूड में आ जाओ थोड़े। ये जो इधर खड़े इधर आओ, आ जाओ, या वरना वहां से एक एक को पकड़ पकड़ के लाके इधर बुलाएगा, पकड़ के लाओ, वरना मैं भी नरसिंह बन के गाड़ दूंगा। आ जाओ, ये उधर खड़े हैं जो भी, आओ भाई साहब। आ जाओ, और नहीं आ रहे तो फिर घर जाओ ना, वहां भी क्यों खड़े हो भाई, या तो इधर आओ। आ जाओ, आपको मजा आएगा भाई साहब, और नहीं आवे तो जगदीप जी को पकड़ लेना, मेरी थोड़ी गलती है इसमें। आप मस्ती के मूड में आ जाओ, मैं कोई ऐसी फालतू फोकट की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े, और ये माइक तुम जैसा भी रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर इसके छेड़छाड़ मत करो। यह मर्द को देख के सीटी बजा रहा है, मेरे को मेरे कैरेक्टर पे शक होता है, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, अमित ने बहुत बढ़िया आपको सुनाया कि हिरण्यकश्यप के बारे में बताया। हिरण्यकश्यप बहुत बुरा आदमी था, और उसने कभी भी कवि सम्मेलन में ये नहीं कहा कि दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ। ये पीछे वाले भी थोड़े से खिसकते खिसकते आगे आ जाओ। देखिए, मैं ये जो ये आग्रह मैं भी करूंगा, जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं, कम से कम हम कुछ देर के लिए इस कवि सम्मेलन को एक समूह में कम से कम जोड़ दें, और ज्यादा नहीं हो तो जो इधर मेरे भाई बाईं तरफ बैठे हैं, मैं आग्रह करूंगा कम से कम ये नहीं लगना चाहिए। देखिए, अपने कोटा शहर में जब सुरेश अलबेला जी घर से बाहर निकलते हैं तो इतने लोग उन्हें देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। एक बड़ा सितारा, एक हमारा लाफ्टर का एक ऐसा रचनाकार कि वो भी धीरे धीरे शुरू होंगे तो आपको लगेगा कि आपने एक चलता फिरता हास्य का विश्वविद्यालय देखा है, वो आपके बीच आए हैं। तो एक कम से कम हम कुछ नहीं कर पाए तो जितने लोग हैं वो एक समूह के रूप में तो इकट्ठे हो जाए। आ जाओ, है क्या हुआ भैया, रात के आपके आपके भी छाती में हिरण्यकश्यप आ रहा क्या? थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ, मजा कभी किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। ये राहुल गांधी, ये सलमान खान, ये जवानी में नहीं ले पा रहे, और ये डेरे वाले बाबा ने या आशाराम बाबा ने बुढ़ापे में ले रखे हैं। तो मैं आपके बीच में ऐसी कोई फालतू की हंसने की कोई बात नहीं है, आप मस्ती से सुनो। मैं देखो आपके बीच में ये बहुत बढ़िया कैमरे की शूटिंग चल रही है, बहुत बढ़िया गोरी जी बैठी हैं, तो बैठी है, तो इसमें हंसने क्या बात है, बैठी है ना, मैंने थोड़ी कहा खड़ी है, बैठी है, यही तो कहा ना अभी, मैं ये कहता ये बैठा है देखो ना?
जैसा इसका फेस है इसका सरफेस भी वैसा का वैसा ही। रजनीश को हम किसी भी कवि सम्मेलन में लाने से पहले एक घंटा साबुन से धोते हैं, फिर दो घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इसको धोया था। और गोरी जी को देखो आप, इतना क्रीम पाउडर लगा कि आइए भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। बस अब कुछ भी नहीं बोलूंगा। हाँ किसके, वो जो तुम कहती हो ना कि शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती, वो बेकार बात है। लंगूर हाथ आए जब ना, वो तो इस डाल से उस डाल पे उस डाल से हाथ ही नहीं आए। देखो मैं आपको बताऊं भाई साहब, आप सब थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ, मैं कोई ऐसी फालतू फोकट की बात नहीं करूंगा। ये जो अब शूटिंग चल रही है बढ़िया चल रही है, उधर से वो पोपो भी बोल रहा है। ये राम भदावर क्या है कि आज ज्यादा मस्ती के मूड में है, ये पद्मनी पे कविता सुनाता है, खुद अलाउद्दीन खिलजी लगता है देखने में। ये अब जब से गोटी पे ही अटका पड़ा है। नहीं, ये पद्मनी पे कविता सुना रहा है, खुद अलाउद्दीन खिलजी बन रहा है। मेरे को रतन सिंह मत समझ लेना तू, भगवान कसम मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैं गोबर को सूंघ के बता देता हूँ भैंस की एज कितनी है। मैं जिंदगी में भाई साहब एक ही आदमी से बिल्कुल सावधान रहता हूँ, एक आदमी का मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, बीड़ी पीने वाले का। वो बार बार कहता है देख अग्नि हाथ में, झूठ नहीं बोल रहा। सुरेश वाह 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 भाई साहब, अच्छा वाला अब आएगा धीरे धीरे, अब रात के 1:30 बजे खा लावे। अच्छा देखो भाई साहब क्या मजा आ रहा है। हाँ, और ये एक तो ऐसे हंस रहा है जैसे मेरा साडू ही बनने वाला है। साडू जानते हैं आप, साडू किसको कहते हैं? एक ही कंपनी द्वारा ठगे हुए दो ग्राहकों को साडू कहते हैं। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि मेरे पहले किसी ने नहीं बोली तो मैंने सोचा आपने बोल लो। अब ये आजकल ये फोटो खींचते हैं ना लोग हर कोई, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। आदमी तो कम करता है यूज, लड़कियां ज्यादा करती। देखो मैं औरतों और आदमियों में हमेशा आदमी की साइड रहूंगा क्योंकि मेरी नजर में मर्द बिल्कुल बहुत ज्यादा शरीफ होते हैं। हाँ, ये औरतें तो भाई साहब 150 रुपए की साड़ी खरीदेगी तो पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी। 50 रुपए की चप्पल लाएगी अटवाड़े में से, उसको भी पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने चप्पल खरीदी, देखो मैंने चप्पल खरीदी। आदमी इतना शरीफ होता है भाई साहब, 5,000 की दारू पी के चुपचाप सो जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। इनके समझ में आई, ये तुम्हारे कोर्स की बात है, क्या हो गया भाई तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? इसके माइक वाले के पैसे नहीं दिए क्या आपने? पहले दो इसके एडवांस पे, तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, है? स्टाफ में माइक, स्टाफ में अच्छा, हालांकि समझ में मेरे अब भी नहीं आया माइक स्टाफ को क्या है। अरे माइक स्पॉन्सर है तो ऐसे बोलो ना यार, स्टाफ स्टाम्प क्या होता है, मतलब स्पॉन्सर भी क्या होता है, यूं बोलो ना फ्री का है, या यूं बोलो ना कि उन्होंने कृपा करी। और कृपा तो जिसकी होनी चाहिए, मैं तो आपको बताऊं भाई साहब, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं केवल इतना कहता हूं, अमित तेरी कविता से याद आ रहा है कि वो पृथ्वी में गगन में वो है, आग में समीर में, वो पृथ्वी में गगन में वो, अच्छा नहीं, अच्छा अब आएगा,
वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। और इस अरे सब चलेगा, घबरा मत, और तेने मेरे को माला पहनाई, अब तू मेरी लुगाई हो गया। और नर को माला नर पहनाई, यही अजब सलीका है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है। अरे भाई साहब नए नए आएंगे, प्रवीण भाई साहब के फोन आ गया कवि सम्मेलन का, मेरा भी नाम लिखवा देना। मैं भी खाली हूँ अभी, वही 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 लिखवा के आया हूँ मैं तो भाई साहब, लिखवाओ, उससे क्या है कि बढ़िया रहता है। और नहीं लिखवाओ तो कोई बात नहीं, अपन तो ऐसे भी चल ही रहे। आ जा भाई, हाँ जुल्फों वाले मर्द देखो, वो सुनाना तो चाह रहा हूं मैं, लेकिन मेरी क्या है आत्मा नहीं मान रही, ये एक मेरे से एक जोक सुनवाना चाह रहा है लेकिन मैं नहीं सुना रहा, अभी सुनाऊंगा मैं। पहले मेरी दुकानदारी सेठ, इनको पहले ये बताना पड़ेगा कि मैं ज्ञानी आदमी हूं, वो बता दूंगा मैं, अब सब कर दूंगा। आपको पता नहीं है देश में क्या क्या चल रहा है, प्रवीण भाई साहब सुनो, ये पानी चुल्लू भरी काफी है हमारे लिए, तो बोतलें भर भर का काई गुला रहे हो, ले जाओ अब मत लाना इसको। इतनी ठंड में भी बनियान फेन के घूम रहे तुम, बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। मैं तो एक दिन मेरी लुगाई के साथ, मेरा एक दोस्त मिल गया मेरे को, मैंने दोस्त से कहा घूमने जा रहा हूं, बोला कहां जा रहे हो भाई साहब, मैंने कहा घूमने जा रहे हो, बोला कहां जा रहा हूं, मैंने कहा नैनीताल जा रहा हूं आपके साइड, बोला कहां जा रहे हो, मैंने कहा नैनीताल जा रहा हूं लुगाई के साथ घूमने, बोलो भाभी जी के साथ, अरे मैंने कहा लुगाई वही है और कौन है, दो थोड़ी है मेरे, मैंने कहा लुगाई के साथ नैनीताल जा रहा हूं, रस्ते में कोई डंकी खाई दिखेगी तो दे लूंगा धक्का। वो बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ, मैंने कहा ले तो जाऊं लेकिन तेरी वाली के धक्का आते टाइम दे लू तो। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही भाई साहब, अभी वो लग गया सूर्य ग्रहण, ग्रहण लग गया, हंसने की बात नहीं है, ग्रहण कब लगता है, नया सुना रहा हूं, ग्रहण कब लगता है भाई साहब, जब दो लोगों के बीच में तीसरा आता है तो ग्रहण लगता है भाई, सूरज के और पृथ्वी के बीच में चांद आ गया तो ग्रहण लग गया। हमारे पड़ोस में एक बंटी बबली रहते थे, बढ़िया ब्याह चल रहा था, उनका बीच में चिंटू आ गया, ग्रहण लग गया। रूस और यूक्रेन ढंग से रह रहे थे, बीच में नाटो आ गया, ग्रहण लग गया। अच्छा दुनिया में तीन ही तरह के लोग होते हैं भाई साहब, पहले वो जो रूस की तरफ है, दूसरे वो जो यूक्रेन की तरफ है, और तीसरों को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, वो कच्चा बादाम पे वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, उनको कोई मतलब। ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में तीसरा आता है। रूस और यूक्रेन बढ़िया रह रहे थे लेकिन नाटो आ गया तो ग्रहण लग गया। एक बार अखिलेश जी बन जाते थे, एक बार मायावती आ जाती थी, बीच में योगी बाबा आ गए तो ग्रहण लग गया। बढ़िया खासा देश चला रहे थे सोनिया जी और मनमोहन जी, और बढ़िया चल रही थी कांग्रेस, बीच में राहुल आ गया, ग्रहण लग गया। भाई साहब ऐसा ग्रहण लगा है हटने का नाम ही नहीं ले रहा। ग्रहण कब लगता है? जब दो के बीच में तीसरा आता है। अब ये बढ़िया दोनों बैठे रहे बीच में, तुम तीसरे काहे को आए? ग्रहण लग गया।
मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब, मेरे जितना इंटेलिजेंट आदमी आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे आप मोहम्मद 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं, जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है। अब वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं, मैं केवल 6ठी पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं थी। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अच्छा क्या भाई साहब, ट्राई करोगे जब पहुंचेंगे ना चांद पे? लोग कोशिश ही नहीं करे। अरे जिस देश में अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक जन्म लेते हो, वो देश एक बार चांद पे जरूर पहुंचेगा। कि करीना को सेफ ले गया, एश को अभिषेक ले गया, धीरज धर के धीर ले गया, दीपिका को रणवीर ले गया। अरे कर रहा है मुश्किल जीना इश्क कमीना, और कर रहा है मुश्किल जीना इश्क कमीना। और किसके साथ चली गई कैटरीना? विक्की कौशल के साथ, मेरे को भूल गया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा क्योंकि हीरोइन का मालूम भी नहीं रहता ना कौन किसके साथ चल जाए। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है, अभी राजस्थान में भाई साहब बरसात ज्यादा आ गई, एमपी में भी आ गई, तो बहुत सारे किसानों की फसलें खराब हो गई। तो किसानों ने मुआवजा मांगा सरकार से, बोले कि मुआवजा दो। मेरे आज दिन तक समझ में नहीं आई, सारे कवि माड़ा यही क्यों लटकाते हैं, इधर भी तो डर सकते हैं। राजस्थान में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई तो उन्होंने मुआवजा मांगा, बोले मुआवजा दो। तो राजस्थान की विधानसभा में खड़े होकर एक नेता ने कहा, किस बात का मुआवजा, अगर बरसात ज्यादा आ जाए तो ये किसान मुआवजा मांगने चले आते हैं, अगर बरसात नहीं आए तो ये किसान मुआवजे की भीख मांगने चले आते हैं। किस बात का मुआवजा, हमारी वजह से थोड़े ही इन किसानों की फसलें खराब हुई है। तो मैंने कहा, नेताजी किसानों की तो केवल फसलें खराब हुई है, मगर आपका बयान सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे आपकी नस्लें खराब हो चुकी है। तब कहता हूं कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला। इस देश के किसानों का दर्द क्या है कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। और किसको मिलता है पद्मश्री? 2 ठुमके लगाकर नाचने वाली विद्या बालन को इस देश में पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है, जिसने गीत लिखा कि ये मेरी जमी महफूज रहे, तेरी रग रग में मेरा इश्क बहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके में खिल जावा। उस मनोज मुंतजिर का इस देश में तिरस्कार किया जाता है। और अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया था, क्या लेके जाएगा। जैसे गीतों को जब फिल्म फेयर अवार्ड मिलते हैं तब जाके अमित शर्मा और राम भदावर जैसे कवियों को बोलना पड़ता है। एक वेश्या पर फिल्म बनी गंगूबाई काठियावाड़ी, उसे 5,000 स्क्रीन मिलती है। और कश्मीर फाइल्स को जब 300 स्क्रीन पर रोक दिया जाता है तब बोलना पड़ता है। बहुत अच्छे, सही बात है। और माफ करना, ये कैटरीना कैफ, ये आलिया भट्ट, ये करीना कपूर, ये हमारी नायिका नहीं है, ये हमारी आदर्श नहीं है। हमारी आदर्श कोई है तो वो झांसी की रानी है, जो अपने दूध पीते बच्चे को कमर पर बांध कर युद्ध के मैदान में उतर जाती है।
बिल्कुल। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी है, जो जलना पसंद करती है मगर किसी अलाउद्दीन खिलजी के आगे झुकना पसंद नहीं करती। और इस सीता मऊ की पवित्र धरती पर इस छोटी काशी में बोल के जा रहा हूं, ये विमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है। ये कहेंगे हीरो, ये अक्षय कुमार। 10 साल पहले अक्षय कुमार कहता था हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ हो रहा है, और आज कोई भी फिल्म देखने जाओ सबसे पहले इसका एड आता है, सिगरेट पियोगे तो ऐसे हो जाएगा। ये भी विमल बेच रहा, वो शाहरुख खान भी, वो आमिर खान और ज्यादा। वो आमिर खान ने कहा मेरी लुगाई कहती है देश में रहने से डर लगता है, मेरी लुगाई कहती है देश छोड़ दो, यहां लोगों से तानसेन नहीं छूट रही, यहां लोगों से देसी का पौवा नहीं छूट रहा, अब वो लुगाई के कहने से देश ही छोड़ रहा है। अच्छा वो आमिर खान भी इंटेलिजेंट, उसने भाई साहब देश तो नहीं छोड़ा, उल्टा लुगाई छोड़ दी। अद्भुत है भाई, अद्भुत क्या यार, एक बात बताओ, अद्भुत ये है भाई तुमको बेचना ही है, तुम हजार हजार 2000 करोड़ के मालिक हो, भाई ये राम बदावर बेच ले तो चले, भाई थोड़े पैसे की भी जरूरत पड़ती है, कटिंग वटिंग भी करानी है, 5000 करोड़ के मालिक गुटके बेच रहे, शोभा दे क्या, यही नहीं बेचे, बेचे क्या नहीं खा ले पर बेचे नहीं। माफ करना, यह अजय देवगन, ये शाहरुख खान, ये हमारे हीरो नहीं है। हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। बहुत, एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया, एक चिड़ियाघर को देखने गया, उस अंग्रेज को देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा, अंग्रेज ने अपनी जेब में से बिस्किट निकाले उस कुत्ते को डाल दिए और वो कुत्ता उस अंग्रेज के तलवे चाटने लग गया। तो अंग्रेज चिड़ियाघर के अंदर गया तो एक शेर उस अंग्रेज को देखकर दहाड़ने लगा, अंग्रेज ने वैसा ही किया, अपनी जेब में से बिस्किट निकाले उस शेर को डाल दिए, लेकिन शेर ने वे बिस्किट नहीं खाए, मजबूरी थी शेर की कि उसके गले में जंजीर बंधी हुई थी। तब सिगरेट का कश खींचते हुए उस अंग्रेज ने एक टिप्पणी की कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां तलवे चाटने वाले कुत्ते बाजार में घूमते हैं और दहाड़ने वाले दिनेश एमएन जैसे अफसरों के गले में जंजीरें डाल दी जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि गुमा था उसको कोई छू नहीं सकता, उस सूरज को भी गोलगप्पा समझकर खा लिया था। गुमा था कोई छू नहीं सकता, उस सूरज को भी गोलगप्पा समझकर खा लिया था, खुद को खतरे में डालकर मां की आजादी का बीड़ा उठा लिया था, खुद को खतरे में डालकर मां की आजादी का बीड़ा उठा लिया था, खुद को खतरे में डालकर मां की आजादी का बीड़ा उठा लिया था, दुश्मन के खेमे में अकेले जाने का साहस जुटा लिया था, और ये आंधी तूफान क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, मैं भक्त हूं उसका जिसने पूरा पहाड़ हथेली पर उठा लिया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की इज्जत करता हूं तो केवल मेरी लुगाई की करता और किसी की भी नहीं करता। इसका कारण है, मैं तो एक दिन मेरे पड़ोस का एक लड़का आ गया मेरे पास, बोलो अलबेला जी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए, बोला भाई साहब ज्ञान दो, मेरा ब्याह होने वाला है। तो मैंने कहा ब्याह होने वाला है तो सबका ही होता है, बोलो भाई साहब ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरे संपट में रहे। तो मैंने कहा ले जा ज्ञान, शादी कब है, बोलो भाई साहब अगले साल 19 नवंबर को। मैंने कहा ठीक है ले जा ज्ञान। मैंने कहा तू पीता है, बोलो भाई साहब मैं तो हाथ ही नहीं लगाता। तो मैंने कहा हो गया काम, मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, शादी के दिन पहले ही दिन लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना, लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा पति मिल गया मेरे को, ये शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया, मेरे तो कर्म ही फूट गए। तो उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद।
लुगाई तेरे त्याग बलिदान और समर्पण की ऐसी कहानी सुन के जिंदगी भर तेरे संपट में नहीं रहे तो मेरी गारंटी। उसने वैसा ही किया भाई साहब, शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास दारू की बोतल ले जाके रख दी। लुगाई भी इंटेलिजेंट थी, देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना, मैं तो नीट ही पीती हूं। मस्ती मजाक में रहना चाहिए। मेरी लुगाई तो एक दिन मेरे से बोली लो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा चल। बोलो कहाँ चलोगे? मैंने कहा एक काम कर, शमशान घाट में चलते हैं। बोली यहाँ शमशान घाट कोई घूमने की जगह? मैंने पागल, लोग मरते हैं वहां जाने के लिए। आहा वाह वाह, और तू मना करती है। बहुत अच्छा। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत मेरी लुगाई की क्यों करता हूँ? सबको करनी चाहिए, आप सबको करती। हाँ बर रहा, तेरा ब्याह ही नहीं हुआ, ब्याह हो जाए जब कर लेना। मैं तो मेरी लुगाई को एक दिन कोटा में ले गया, मार्केट में घूम रहा। ये सुनील जी मेरे को, मैं हाथ में हाथ डाल के घूम रहा, सुनील जी मिल गए मेरे को, बोले यार तुम तो बड़ा प्रेम प्यार करते हो वाइफ से, हाथ ही नहीं छोड़ रहे। अरे मैंने कहा इसका हाथ छोड़ता हूँ, ये कभी साड़ी की दुकान में घुस जाती है, कभी ज्वेलरी की दुकान में घुस जाती है। फिर वो दुकान में गई साड़ी की में, उसने 500 साड़ी पलट पलट के देखी। 500 साड़ी पलट के देखने के बाद बोली भाई साहब वो वाले डिब्बे में क्या है वो दिखाओ। बोला मैडम मेरे खाने का टिफिन है, उसको भी खाऊगी क्या? लेकिन मैं इज्जत लुगाई की इसलिए करता हूं, उसने 500 साड़ी पलटी, खरीदी एक भी नहीं। फिर मैंने सोचा इसने मेरे को भी चुना है। मैं तो आपको बताऊं, देखो सीता मऊ का तो आजकल क्या है, सब बच्चे भाई साहब पढ़े लिखे हो गए। अरे सुनो रे, जब एक बात बताओ, इतना इंटेलिजेंट आदमी माइक पे खड़ा है तो तुम खाई को नहीं सुन रहे? आजकल क्या है कि सारे जितने भी जो नई जनरेशन होगी सबको इतना सम्मान देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, दद्दू पाए लागू सर अंकल ऐसे जाने कैसे, ऐसे बाकी जैसे मोरंगी से बाढ़ बना लेंगे। अब एक लड़का था ऐसे ही सीता मऊ के, एक दादजी थे, दादजी डू यू मीन, वहां तो समझोगे ही सही, एक बाबूजी थे। अब वो बस में गया वो लड़का, लड़का जाते ही सीता मऊ के बाबूजी थे, सीता मऊ जैसे ही बाबूजी जाके बोला अंकल आपकी इजाजत हो तो क्या मैं सिगरेट पी सकता हूं? अंकल भी सीता मऊ का था, बोला भाई मेरी तरफ से तो तू गुखा। अब मिल गई तेरी आत्मा को शांति, ये सुनवाना चाह रहा था। ओ राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई बाला देख लो, दिल्ली से अमरीका तक तुम अपना साला देख लो। अब तालियां बजाना नहीं तो मेरी तरफ से कुछ भी करो, मेरे को क्या मतलब। ये माइक भी भाई साहब, बहुत सारे तो माइक अब तक सीटी बजाते थे, ये बंद हो जाता है, फ्री में ऐसे ही मिलता है। माइक बहुत अच्छा है, माइक में कोई कमी नहीं। अगर तो फ्री में क्या चाहिए तुमको, उनने दे दिया जो ही, उसके हाथ जोड़ो पांव पड़ो। माइक खराब हो अच्छा हो, तुम तो सब पैसे ले लेके आए यहाँ, वो अच्छा है, बहुत बढ़िया माइक है आपका,
मेरे को जरूरत हो तो हमारे भी लगवा देना। वो एक बार क्या हुआ, एक बस में 5,000 नेता बैठ के जा रहे थे। क्या हुआ? हाँ बस में, अरे मेरी बस है, मैं तो उसके ट्रेन बना के ले जाऊं, तुम्हारे क्या मतलब, मैं तो एक के पीछे एक जोड़ दूं, तुम्हारी तरह यहां जगह खाली थोड़ी करनी। ये क्या है, ये मेरे से जोश जोश में ऐसे हो जाता है, ये बच्चा है। कोई बात नहीं, बढ़िया है। मेरे जो जैसे प्रवीण जी आप संचालन कर रहे हो प्रोग्राम, ऐसे कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं। अब एक बार एक बड़ा कवि था, मेरे से भी बड़ा और आपसे बड़ा, वो उसने मेरे को कह दिया मैं संचालन कर रहा, अब मेरे में लक्षण तो है नहीं। उनने कहा यार मैं थोड़ा अमरीका न्यूजीलैंड लंदन वंदन गया हूँ, तो तू थोड़ी माइक पे सरका देना, जो अपनी झांकी जम जाएगी। तो मैंने सरका दी, मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज़्यादा सरक गई अपन से। तो ये क्या है, थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है मेरे से, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत बढ़िया हंस रहे हो आप यार। तो स्वागत ही करोगे ना और क्या करोगे, तेने भी तो 4 गीत सुनाए थे, मैं भी सुनाऊंगा, सुनाना चाहिए क्या जा रहा। हालांकि मैं गीत क्या है, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और तुम तो खैर सुरेश बैरागी जी के सुपुत्र हो और बाल कवि बैरागी जी के परिवार के हो, तो आपको तो ऐसे ही कविता विरासत में मिली है, आप तो ऐसे ही सौभाग्यशाली हो जो मंदसौर जैसे पशुपतिनाथ के चरणों में पैदा हुए हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ऐसे बोलना पड़ता है, तो ये मंदसौर में बुलाएगा अगले महीने, वहाँ भी ये प्रोग्राम नहीं बोलो तो बुलाए ही नहीं। हाँ अब ये राजनीति की बहुत सारी बात होगी ना, ये कह रहे थे बहुत सारी बातें, अब मैं बताऊँ, मोदी जी इतने अच्छे आदमी है, वो एक अमेरिकन, एक चाइनीज और एक इंडियन, तीनों आपस में मिले, तो अमेरिकन बोला भाई साहब पिछले दिनों हम गुजरात के एक आदमी की किडनी बदल के आए, उसको 10 लाख रुपए का काम मिल गया। दूसरा वो चाइना का बोला है तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, हम तो गुजरात में एक आदमी का दिल बदल के आए, उसको 50 लाख का काम मिल गया। तीसरा इंडिया का था, बोलो भाई साहब हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो गुजरात का एक आदमी बदल के दिल्ली लाए थे, तब से सारा देश ही काम मांग रहा है। आज हम मोदी जी ने क्या करा, मोदी जी ने यूपी में बाबा जी को मुख्यमंत्री बना दिया, एक पतंजलि के बाबा जी उनको व्यापारी बना दिया, और देश में जितने भी व्यापारी है सबको बाबा जी बनाने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं बीजेपी का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं, मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी हूं, वो किसी का भी नहीं। और ये भी इसलिए बोली क्योंकि पहले किसी ने नहीं बोली तो बच गई थी तो बोल दी। अजय कांग्रेस वाले भी कम नहीं है, ये इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, नेहरू जी के कपड़े जर्मनी में धुलने जाते थे, विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा कुछ भी नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं वो खुद ही विदेश चल जाते हैं, एक बार में ही सारे धुलवा लाते हैं, कौन टेंशन पाले। अच्छा कांग्रेस वाले भी कम नहीं है, ये कांग्रेस वाले जब इस देश के बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो अटल जी की इन्होंने 13 दिन में सरकार गिरा दी कांग्रेस वालों ने, और बोले कि अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए, तो फिर अडवाणी जी ने क्या करा, उन्होंने जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए, तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए।
तो ये अडवाणी जी को देख के बोले कि यार ये अडवाणी जी तो बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर अडवाणी जी भी थोड़ा पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि यार ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी और अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। एक तरफा काम थोड़ी करे यार। मैंने कह दिया अपन को राजनीति पार्टियों से कोई मतलब ही नहीं है, खाई मतलब है। ये कौन क्या सोल उड़ गया सुनील जी, हमको तो दी नहीं, ये खुद लेके आए थे क्या? राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई बाला देख लो, दिल्ली से अमरीका तक तुम अपना साला देख लो। राहुल गांधी इस पे तालियां बजानी पड़ती। ऐसे में तो दिल्ली का युवराज कहां से लाओगे, कब तक बैंकॉक में रहकर चिंतन करते जाओगे। वाह वाह, उससे क्या लड़ना कि जिसने अपनी सीमा तोड़ दी, मोदी जी को माफ करो उनने तो खुद की छोड़ दी। ओ सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में। और अगली लाइन पर मैं सब लोगों की तालियां चाहता हूं, अपने राजनीतिक दुपट्टे तो उतार के फेंक दो और हिंदुस्तानियों के सुनो, मैं एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं। उससे क्या लड़ना कि जिसने अपनी सीमा तोड़ दी, मोदी जी को माफ करो उनने तो खुद की छोड़ दी। ओ सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में, सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में, चांद वाला मुखड़ा लेके ना चालो बाजार में। चांद चांद वाला मुखड़ा लेके ना चलो यार, जोरदार एक चांद वाले मुखड़े पे चांद वाले नहीं माला पहनाई। हाँ, और मेरे को भाई साहब किसी मंच के चांद ने माला पहनाई। मेरे को वंस मोर से ज्यादा किसी की लोडी पे हाथ घुमाने में मजा आता है। ये जो परम सुख मिलता है ना, ये किसी भी काम में नहीं मिलता है। अभी मोदी जी चीते लेके आए 8 चीते लेके आए। तो अब ये राजनीतिक पार्टियां भाई साहब क्या करें, कोई भी कच्चा काम कर दे बीजेपी तो कांग्रेस वाले कहेंगे अरे बहुत बेकार है, तो ये सड़क बनाइए कि कोई बीजेपी वालों ने अगली बारिश आन दो खत्म। कांग्रेस वाला कितने भी अच्छा कर दो तो बीजेपी वाले कहेंगे अरे इनकी पार्टी खत्म है, ऐसे करते हैं। अब मोदी जी चीते लेके आए तो बोले कि ये भाई साहब ये कांग्रेस वाले बोले ये चीते थोड़ी है तो बिल्लियां हैं। अब देखो ससुराल से आती तो भाई साहब गाय ही है, वो तो फिर एक साल तक रहती है ना तब बनती है शेरनी। नहीं मैं आपको बताऊं, अभी मैं सवाई माधोपुर का हूं रणथंबोर का, वहां कहते हैं सब बाघ बचाओ बघेरे बचाओ टाइगर बचाओ, मोदी जी कह रहे चीते बचाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर बचाना है किसी को तो जो सबसे पहले उस भाई ने कहा था कि लंपी वायरस से गाय मर रही है, सबसे पहले गाय बचाओ। बहुत अच्छा, बचाओ, ताली थोड़ी बजाने की कही मैंने, गाय बचाने की कही। और आप बाघ बचाओ चीता बचाओ कुछ भी बचाओ मत बचाओ, लेकिन सबसे पहले बचाना है किसी को तो बेटी बचाओ।
इतने में एक ही है और अकेली बैठी है। बेटी बचाओ यार, एक बात, बेटी क्यों बचाओ? बेटी इसलिए बचाओ, अब जैसे ये चश्मा वाला छोरा बैठा है, अब एक बात बता, तू कल कमाएगा फिर नई मोटरसाइकिल लाएगा तो उसके पीछे तू चीता बिठाएगा कि बेटी बिठाएगा? भाई जिसको बिठा सकते उसको बचाओ, उसको कोई बचा नहीं रहा। और बचा ले बेटी। जिसके दीदार में बैठे थे बरसों से इंतजार में, वो बेवफा निकली न जाने कितनों के प्यार में, और चौराहे पर करता रहा इंतजार में लेकर बाइक, और वो निकल गई किसी दूसरे की कार में। लेकिन मैं भी कह दू, इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था, और मैं तेरे कांधे पे सर रख के शाम बैठा था, मेरे को भी तेरी माला नहीं पहननी क्योंकि तेरी जुल्फों में जुए हैं मुझे मालूम था। अब अमाला से क्या फर्क पड़ता है, माला से क्या होता है भाई साहब ब्याह में? अपने पितरों में नहीं देखते आप, उसमें ही हो जाता है ब्याह तो माला वाला। अब यार जब पुराने टाइम में ब्याह होते थे जब तो माला थी नहीं, क्या कह रहा है बालक की? बेटा मैं तेरे को परीक्षा में पास होने का फार्मूला दे के जा रहा हूं। मैं जब पांचवी छठी क्लास में पढ़ता था तो मैं पूरी कॉपी खाली छोड़ता था, पहला पन्ना खाली, दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथा खाली, और एंडी एंड के पेज पे लिखता था, मास्टर तूने तेरी माँ का दूध पिया है तो पास करके दिखा। अपना आज दिन तक फेल होने का चांस ही नहीं आया, दिमाग से कहा। हमको तो स्कूल में मास्टर पूछ, बता बेटा लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है? मैंने कहा गुरुजी पहले लड़की दिखाओ, लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ही लगा देंगे और छोटी है तो छोटी ही लगा देंगे, और बराबर की तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत क्या है, ब्याह करो ना यार। वो मैं आपको बताऊं, एक इसमें हंसने की बात नहीं है, एक अमेरिकन आया, वो प्रवीण भाई साहब मेरे को कितनी देर बोलना है बोल देना, मैं बैठ जाऊंगा। नहीं 10 मिनट और सुना दो, 10-15 जब तक आपका मन करे। मेरा तो मन तो सुबह तक का कर रहा है। तो सुनाते रहो, क्या दिक्कत है? हालांकि मन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी कुंवारा रहता है तो फिर मन की बात उसको रेडियो पे ही करनी पड़ती है, क्या करे। वो एक अमेरिकन हिंदुस्तान में आया तो एक होटल में खाना खाने के लिए गया, उसने पूछा, बोलो भाई साहब ये चिल्ली पनीर कितने का है? बोलो भाई साहब ये चिल्ली पनीर है 10 रुपये प्लेट। बोलो और ये मसाला डोसा? बोले 12.5 रुपये प्लेट। बोलो वेज मंचूरियन? बोलो भाई साहब 7 रुपये प्लेट। तो अमेरिकन ने खाना खाया, खाना खा के वो अमेरिकन खुश हो गया, बोला इतना अच्छा और इतना सस्ता खाना तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया, मैं एक बार तुम्हारे होटल के मालिक के चरण छूना चाहता हूँ, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। तो बोला भाई साहब होटल का मालिक तो मेरी लुगाई के साथ बिजी है। तो अमेरिकन बोला होटल का मालिक तेरी लुगाई के साथ क्या कर रहा है? बोला भाई साहब वही जो मैं उसके धंधे के साथ कर रहा हूं। ओ उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो, अभी क्या नहीं अच्छा, बस 5-1 मिनट और सुनाऊंगा। नहीं आप तो सुन रहे हो लेकिन ये भी तो सुने ना, फिर ये उठ कर दे तो मेरी तो दुकानदारी बिगड़ जाए, लाफ्टर चैंपियन और फेले सही में सारा टेक खत्म हो जाए।
अभी रशिया और उसका यूक्रेन का युद्ध चला तो भारत के बहुत सारे बच्चे वहां पे फंस गए रशिया और यूक्रेन के युद्ध में। तो यूक्रेन से निकलने का उनको रास्ता चाहिए था, निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एक तरीका बताया हिंदुस्तान की सरकार ने वहां से निकलने का। आपको लगे कि वो तरीका ठीक था तो एक बार इस सरकार के लिए तालियां बजनी चाहिए, उन्होंने क्या आइडिया सुझाया और कितना ताकतवर हुआ हिंदुस्तान। उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। मोदी ने संदेश दिया है भारत माँ के धाम चलो। उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। मोदी ने संदेश दिया है भारत माँ के धाम चलो। रशियन यूक्रेनी सेना दोनों सलाम ठोकेंगे बस। रशियन यूक्रेनी सेना दोनों सलाम ठोकेंगे बस। वीजा को गोली मारो, हाथों में तिरंगा थाम चलो। अमर तिरंगा लहरा डाला मोदी ने संसार में। चांद वाला मुखड़ा लेके नाचा लो बाजार में। सीने में बारूद भरो, हाथों पर अंगारे तोलो। क्या करना चाहिए? सीने में बारूद भरो, हाथों में अंगारे तोलो। राम धनुष के दम पर सीता आई थी आंखें खोलो। हो उसके आगे परमाणु बम केवल एक पटाखा है। उसके आगे परमाणु बम केवल एक पटाखा है। बोल सको तो एक बार बस हनुमान की जय बोलो। ओ सारा भारत रंग जाएगा उसकी जय जयकार में। चांद वाला मुखड़ा लेके नाचा लो बाजार में। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। स्ट्रोंगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। इन्हें सारे फंडे हैं आते, नाक इंडिया की कैसे कटाते। हालांकि आजकल तो ऊंची कर दी उनने। ये वाले जो उधर वंशमोर कर रहे हैं वो डणंग 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 वो सुनना चाहते हैं। वो आएगा ना भाई साहब? पर आएगा आएगा, टाइमिंग पे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बहुत अच्छे सुरेश, टाइमिंग पे आता है। चाय में बिस्किट डालते हो ना तो ज्यादा डूब जाए तो अंदर पड़ जाता है, जल्दी निकाल लो तो सूखा रह जाता है। टाइमिंग से निकालना पड़ता है उसको। ये अमन अक्षर कहाँ जा रहा है रे? ये वहीं जा रहा है जहां मैं तीन नहीं, बार जाके आ चुका हूं। उस अब वो भी टाइमिंग के हिसाब से ही जा रहा है। वो टाइमिंग के हिसाब से मेरा भी टाइमिंग हो ही रहा है। मेरे को मालूम है। कहां था मैं भूल गया। भूल जाओ तो शुरू कर दो। चांद जैसा मुखड़ा लेकर ना चलो बाजार में। इन्हें सारे फंडे हैं आते, नाक इंडिया की कैसे कटाते। देश को तो ये नीचे हैं रखते, हुस्न आंखों पे सर पे बिठाते। विराट कोहली पहले से कितना बदल गया।
अनुष्का की गुगली का जादू तुझ पे चल गया। मिलती थी रोज मुरारी से, पर से टिंग थी गिरधारी से, खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी, आप तालियां नहीं बजा रहे यार, जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से। मिलती थी रोज मुरा। देखो मेरी हालत है ना, उस शोले पिक्चर देखी है आपने, उसमें वो गब्बर सिंह था, उसको धर्मेंद्र को बांध देता है और फिर कहता है, बसंती जब तक तेरे ठुमके चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेगी, जब तक आपकी तालियां चलेगी ना तब तक ही चलेंगे हम तो। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे। वाह। उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं, वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। बहुत सारे कल समझ में आए गए। उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से। मिलती थी रोज मुरारी से, पर से टिंग थी गिरधारी से। वाह वाह वाह। वो इस रजनीश से बोल पड़ी कि मेरे दिल पर छा जाओ और कुंडी मत खटकाओ, राजा सीधे अंदर आ जाओ। हाँ खुश होएगा ना। आजकल गाने ऐसे ऐसे आते हैं, वो एक गाना है, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अब एक बात बताओ, इंतजार करने में सड़क भीगी हो सूखी हो क्या मतलब है? इंतजार करने का मजा तब है, सड़क कैसी भी हो लड़की भीगी होनी चाहिए। लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। वो इस रजनीश से बोल पड़ी कि मेरे दिल पर छा जाओ और कुंडी मत खटकाओ, राजा सीधे अंदर आ जाओ। मैं गेट के बाहर खड़ा रहा, इन दोनों ने रोमांस किया, उसने इलू गाया और इसने लूंगी डांस किया। मैंने भी पंगा गलत लिया, मैंने भी पंगा गलत लिया, एमपी के एक शिकारी से। मिलती थी रोज मुरारी से, पर से टिंग थी। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। एक मिनट में बैठ जाऊंगा, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को मालूम है। अच्छा है, ये लंबा था, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ और तुम्हारे खातिर ही सुना रहा हूँ, कोई दूसरा होता तो लंबा ही सुना था। कि खून से लिखे थे खत शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। उसने हमारे प्यार को पागल समझ लिया, खुद को किसी की आंख का काजल समझ लिया। उसने हमारे इश्क का ऐसा सिला दिया, अमीर बॉयफ्रेंड से हमको मिला दिया। बोली ये मेरे नाज व नखरे उठाएगा, मेरे लिए दो वक्त की रोटी जुटाएगा, मम्मी भी तुमसे शादी को तैयार नहीं है, ये मिलन मेरे डेढ़ को स्वीकार नहीं है, भैया से भी तुम्हारी राम राम नहीं है। कहते हैं उसके पास कोई काम नहीं है, उन पत्थरों के बोझ को सह कर के आ गए, उसको वहीं पे बेवफा कह कर के आ गए। फिर यूं हुआ कि कहर की वो रात आ गई, दहलीज पे उसके कोई बारात आ गई। अब सोच लिया उस पे एतबार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। जिसके लिए टिफिन में हम रखते थे चॉकलेट, वाह वाह, होते थे इंतजार में ट्यूशन से रोज लेट,
उसके लिए तो खुद के पिताजी से भिड़ गए, आया था जो भी बीच में उसी से लड़ गए, छेड़ा मवाली ने तो बचाने भी गए थे, इतना लड़े कि प्यार में थाने भी गए थे, लेकिन ये सिला मिला तो हैरान हो गए, चंबल में कूदने को परेशान हो गए, जुल्फों में ऐसे उलझे कि कायर से हो गए, खुद को संभाल आज हम शायर से हो गए, मैं खुद पे यार जुल्म बार बार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी, वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी, एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे पे से नकाब तो हटाओ, इधर क्या हो गया बताओ। इधर कुछ कर रहे गए, देश को खतरा हमेशा पीछे से ही रहता है, वो पीछे भी साइड से रहता है। बस दो मिनट और दे दो, दो मिनट में जा रहा हूँ, मांगी एक थी मैंने, पर हो जाती दो। बहुत अच्छे, पढ़िए पढ़ो सुरेश भाई। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी, वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी, एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे पे से नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया, 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई, पड़ोसियों ने बताया कि उस दीवाने की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी, ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया, आंधी के थपेड़े से लड़की के चेहरे का नकाब उड़ गया, लड़की ने अपना वादा निभा लिया, अपना चेहरा प्रेमी को दिखा दिया। तभी कब्र में से आवाज आई, ये दोस्त ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। आहा। मैं कविता की अंतिम दो लाइनें आपको सुनाता हूँ। सुरेश भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ये मैंने इसलिए लिखी क्योंकि बहुत सारे लड़के जो अपनी प्रेमिकाओं का दुपट्टा बांध के नहरों में कूद गए, जो प्यार में फांसी पे लटक गए, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप प्यार में हार जाओ तो क्या करना है। अंतिम 4 पंक्तियों पे आपका समर्थन चाहता हूँ कि मैं खुद पे यार जुल्म बार बार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। जाहिल था मैं माँ बाप की सेवा न कर सका, मैं उनके दिए प्यार की इज्जत न कर सका। ये पानी पी रहे हो क्या? पियो आराम से। जाहिल था मैं माँ बाप की सेवा न कर सका, मैं उनके दिए प्यार की इज्जत न कर सका, मैं भाई की पढ़ाई में भी कुछ न कर सका, मैं बहन की विदाई में भी कुछ न कर सका, माँ भारती के कर्ज की किस्तें चुकाऊंगा, भारत से करो इश्क यही गीत गाऊंगा, अब सोच लिया ना कभी सनम पे मरूंगा, देनी है मुझे जान तो वतन पे मरूंगा। वाह वाह वाह। अब सोच लिया ना कभी सनम पे मरूंगा, देनी है मुझे जान तो वतन पे मरूंगा, मैं दुश्मनों की गोलियों पे मुस्कुराऊंगा, लपेट तिरंगा बदन पे लौट आऊंगा, मैं चाहता हूं दुश्मनों को मार कर मरूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत